हाँ अंकल, या गोष्टी चा आनंद आहे यासाठी जो की या भव्य संमेलनामध्ये शंकर पवारजी संजय राठोडजींनी मला निमंत्रित केलं। खरं म्हणजे मी थोडा लवकर पोहोचलो, पण पुढे कार्यक्रम आहे, नंतर या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री जी पण येणार आहे, त्याच्यामध्ये मी ट्रेलर म्हणून काम करतोय, पिक्चर मुख्यमंत्री आल्यावर सुरू होणार आहे। खरं म्हणजे आपला जो समाज आहे, सिंधू संस्कृतीशी नातं सांगणारा आमचा बंजारा समाज आहे, पर्यावरण पूजक आणि पारंपरिक छोटा मोठा व्यापार करायचा, कशीदाकारी करायची, गोंधळे आजकाल टॅटू म्हणतात, टॅटू हा टॅटू आज खूप फेमस झालाय, पण टॅटूचे खरे जनक आमचे बंजारा आहे। नमस्कार, मैं फिल्म डायरेक्टर कैलाश पवार, बीजेपी चित्रपट आघाड़ी महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ मैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमारे पूरे स्टेट से बंजारावासी इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, अलग अलग गांव से, तांडा से आए हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सो महाराष्ट्र के CM श्री एकनाथ शिंदे जी भी आए हैं और देवेंद्र फडणवीस जी भी आए हैं, और हमारे बंजारा समाज के काफ़ी मांगे थी वो आज उनको कही गई है। देखते हैं वो अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें होप है कि उन्होंने होप्स दिया है, काफ़ी वो मांगे पूरी करने वाले हैं, और सो करें। मैं यही चाहता हूं कि हमारे देश में बंजारावासी 12 करोड़ लोग हैं, और 12 करोड़ की आवाज़ आज पूरे देश में जा रही है, तो सो ज़रूर कुछ ना कुछ होने के चांसेस तो लग रहे हैं, उम्मीद है, देखते हैं। सो थैंक्स। सर, क्या मांगे आपने, बंजारा समाज से भी जुड़े हुए, तो क्या मांगे हैं उनके, और खास करके महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? देखो, अभी हमारी पहली मांगे तो ये है, यहाँ पे कही गई कि यहाँ पे बंजारा भवन होना चाहिए बॉम्बे में, ताकि अलग अलग तांडों से लोग आते, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, वो की गई है। यहाँ के जो भी पर प्रांतीय बंजारा समाज है अदर स्टेट के, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत सारा इशू आता है, नॉन क्रिमिनल कास्ट सर्टिफिकेट, उसके लिए भी मांगे किए गए हैं। अलग अलग स्टेट में बंजारा का कि तेलंगाना चले जाओ वहाँ पे ST में आता है, और कर्नाटक जाओ वहाँ पे इसमें विजेंटी OBC में आता है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बंजारों को कैटेगरी दी है, तो एक कहीं ना कहीं एक होना चाहिए बंजारा समाज, पूरे देश में फैला हुआ हर स्टेट में है, तो एक ही कास्ट को एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए, ये गवर्नमेंट के आज हमारे लोगों ने, सब लोगों ने कहा है, तो सो देखते हैं क्या होता है। ST कहाँ, विजेंटी महाराष्ट्र में हम लोग विजेंटी OBC में आते हैं, तो कर्नाटक में अलग, महाराष्ट्र में अलग, तेलंगाना में अलग, आंध्रा में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जगह एक सबको एक रिजर्वेशन टाइप देना चाहिए। मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं कैलाश जी के साथ काम भी करती हूँ, हम अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, और इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया बंजारा सोसाइटी के मेंबर्स से, और बताया कि इंडिया में 12 करोड़ बंजारा मेंबर्स है, और जब उन्होंने मुझे कल्चर के बारे में बताया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि राष्ट्र में भी बंजारा कम्युनिटी है, वो आप खुद को रोमाले बोलते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को भी जानती हूँ, और यहाँ पे भी इनके थ्रू मैंने कल्चर जाना है, और यहाँ पे इतने बड़े फंक्शन में मैं आज आ चुकी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे CM DPT CM साहब भी आए थे, तो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। मैम, आपको कैसे एक्सपीरियंस लगा जब आप यहाँ पर आए, तो लोगों को देखकर यहाँ पर एक साथ इतने सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा हो? अच्छा लगा, स्पेशली उनके जो मोस्टली लोग अपने कॉस्ट्यूम पहन के आए थे, इतने कलरफुल, इतना अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली आजकल ना इंडिया में कल्चर को देखने को मिलता नहीं, इवन मूवीज़ में अभी आजकल आप देखोगे तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं सब कुछ, तो इतने लोगों को इकट्ठे देख के, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम नेशनल पहन के, बहुत अच्छा लगा। मैम, आपका मन हुआ कुछ इस तरीके से आप भी तैयार हो आज यहाँ पर देख रहे? मेरा मन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं है, बट ज़रूर अगर अगली बार मेरे को कोई प्रोवाइड करेगा तो मैं भी पहन के आऊँगी। सर, क्या कहेंगे, वो भी बंजारा समाज से जुड़कर उनकी तरह तैयार होना चाहती, तो आपने क्यों ये मुझे रसिया में मिले थे, हमारा गोर बंजारा समाज रसिया में नहीं ऑल वर्ल्ड में है, सो बंजारा समाज के उनको कल्चरल पसंद आया, इसलिए वो आज यहाँ पे आए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच।
ऋषि गुलावनिया, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मुझे इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि कैलाश जी की वजह से आज मुझे यहाँ आना मिला है और बंजारा समाज के बारे में मुझे जानने मिला, क्योंकि मैं उस बारे में नहीं जानती थी। उनकी वजह से आज मुझे वो जानने मिला है कि वो होता क्या है, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। थैंक यू सो मच।